आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। मिलते हैं बिछड़ जाने को, आंखों आंखों में हम तुम। देख समा है सुहाना। देवानंद की जिंदगी रियल लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ में भी बड़ी रंगीन थी। जिंदगी भी एक नशा है दोस्त, जब चढ़ता है तो पूछो मत क्या आलम रहता है। देव साहब ने जीवन के हर उस पहलू को खुलकर जिया जो कोई फिल्म स्टार जी सकता है। इंसान के अंदर का लोहा अपनी चमक दिखाने के लिए मौके की ताक में रहता है। बात अगर महिलाओं की हो तो देवानंद महिलाओं के दिलों पर राज किया करते थे। एक खास महिला है जिनके लिए खास साड़ी चाहिए और कुछ खास चूड़ियाँ। कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि देव साहब जब काले कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलते थे तो महिलाएं अपनी जान उन पर कुर्बान कर देती थी, और इसीलिए सरकार ने देव साहब के काले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी। वैसे ये बात महज एक झूठी बकवास के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि खुद देव साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ में इस बात का खंडन किया है। मुझे इस शहर को अपने कदम बनाना है, दिल पे लगी हुई एक एक चोट का हिसाब चुकाना है। कोई खुद को देव साहब का फैन मानता हो तो उसे एक दफा उनकी ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि अपनी उस किताब में देव साहब ने अपने जीवन के बहुत किस्से बयां किए हैं। देव साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में ही इस किस्से का जिक्र भी किया है जो आज किस्सा टीवी आपको सुनाने जा रहा है। दौलत सुख देती है, ये अपने दामन में दुख के अंगार भर कर लाती है। मेरे ख्याल से वो दुख ज्यादा लेके आती है अपने साथ। ये किस्सा उन दिनों का है जब देव साहब फिल्मों की चमचमाती दुनिया में आए भी नहीं थे, और ना ही उस वक्त तक उन्होंने कभी सोचा भी था कि वो फिल्म एक्टर भी बन सकते हैं। हालांकि उस वक्त तक देवानंद जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके थे, और उनके मन में भी महिलाओं को लेकर वही उत्सुकता पैदा होने लगी थी जो हर दौर में जवान लड़कों के दिलों में होती है। उन दिनों देव साहब का एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम था भगवंत। वो देव साहब का पड़ोसी भी था। देवानंद उसे प्यार से भागु कहते थे। बकौल देवानंद, वो और भागु एक दूसरे के राजदार भी हुआ करते थे। भागु और देवानंद अक्सर गर्मियों की दोपहरी में भागु के पिता की लाइब्रेरी में बैठ जाते थे, और इन दोनों के बीच हर तरह की बात वहां हुआ करती थी। रोमांसिंग विद लाइफ में देव साहब लिखते हैं कि भागु और इनके बीच यूं तो हर विषय पर बात होती थी, लेकिन सबसे ज्यादा ये दोनों सेक्स के बारे में बात करते थे। ऐसी ही एक दोपहरी को एक दिन इन दोनों को कुछ अलग ही नजारा दिखा। इन्होंने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ मौजूद घर के ऊपर वाले कमरे की खिड़की खुली है। कमरे की सामने वाली दीवार पर टंगे बड़े से शीशे में एक जवान लड़की खुद को निहार रही है। क्योंकि वो इनकी पड़ोसी थी तो ये दोनों उसे पहचानते थे। अचानक उस लड़की ने अपना ब्लाउज ऊपर उठा लिया और वो अपने वक्ष स्थलों पर हाथ फिराने लगी। शीशे में साफ दिख रहा था कि वो लड़की अपनी इस हरकत का आनंद ले रही है और कामुकता उस पर हावी हो रही है। लेकिन तभी अचानक उस लड़की को एहसास हो गया कि कोई है जो उसकी निजता का हनन कर रहा है। उसने तुरंत अपना ब्लाउज नीचे किया और खिड़की की तरफ आई। फिर जब उसने देखा कि देवानंद और भागु उसे ही घूर रहे हैं तो घबराकर उसने अपनी खिड़की बंद कर ली। कुछ सेकंड्स बाद उसने फिर से खिड़की खोली। हालांकि इस दफा उसने खिड़की का एक ही पल्लू खोला था। उसने शर्माते हुए देवानंद और भागु की तरफ देखा और फिर दोबारा खिड़की बंद कर दी, वो भी काफी जोर से। बकौल देवानंद, वो पहला मौका था जब उन्होंने किसी लड़की को इतने मादक अंदाज में खुद के शरीर को छूते हुए देखा था। ये पूरा किस्सा देव साहब ने अपनी ऑटोबायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ के तीसरे चैप्टर में लिखा है जो कि पेज नंबर 8 पर मौजूद है।